अल्लाह स्टूडेंट्स वर्चुल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद वी खानपुर देख रहे हैं आप अगर अभी तक सब्सराइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा आज की हम वीडियो में बात करेंगे वर्चुल यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन की स्प्रिंग 2024 और इसमें जो स्पेशल कैटागरी है वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर इसमें आपने एडमिशन कैसे लेना है फीस कितनी होगी अहलीय क्या होगी हर प्रोग्राम की कोर्स किस तरह आपको मिलनी है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे क्लासेस का तरीका क्या क्या होता है और डिग्री की वैल्यू तकरीबन आ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चों यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो चलते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो और जाते जाते आगे बढ़ने से पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप एडमिशन शेडूल जारी हो चुका है पंद्रह जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हैं और अभी चलेंगे काफ़ी टाइम आगे तक एक तो मैं आपके लिए बी एस फोर ईयर की वीडियो बनाऊँगा और ए डी पी की अलग से और डिप्लोमा जो एक साल के हैं आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर का है फिफ्थ so सेमेस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोग्राम वर्षी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं तो ये सारी लिस्ट आपके सामने हैं एक एक मैं आपके साथ पढ़ता हूँ बी एस बायो बायोटेक्नोलॉजी बी एस बायो टेक्नोलॉजी बी एस जोलॉजी बी एस मैथमेटिक्स ये चार जो प्रोग्राम हैं ये साइंस में आ जाते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्रीज़ में बी एस एडमिनिस्ट्रेशन जो एम बी ए वगैरह करना चाहते होते हैं स्टूडेंट्स वो तो उनके लिए आ, बी बी आई टी है इसमें बिज़नेस और आई टी के सब्जेक्ट मिक्स होते हैं बी एस कॉमर्स सिक्सटीन ईयर एजुकेशन है अगर कर लेते हैं तो ये जो डिग्री होगी आपके पास वो एम कॉम के बराबर होगी बी एस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो जॉब्स हैं उसमें बड़ी इन है ये चार डिग्रीज़ हैं हमारी मैनेजमेंट में तो इसको हम कलर कुछ और कर लेते हैं ठीक है उसके बाद आ जाएं कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में तीन डिग्रीज़ हैं बी एस सी एस बी एस आई टी बी एस सॉफ्ट इंजीनियरिंग और ये तीन डिग्री को हम कर लेते हैं थोड़ा सा और कलर येलो कर लेते हैं इसके बाद आ जाएं हमारा जो कॉमर्स की डिग्रीज हैं उसमें हमारे पास पांच डिग्रीज़ हैं बी एस कम्युनिकेशन है बी एस इकनॉमिक्स है इसको मैं एक और कलर कर देता हूँ चलें इस तरह कर लेते हैं बी एस मैस कम्युनिकेशन बी एस इकनॉमिक्स बी एस जो बड़ी इन है डिग्री और इसके बाद जो बी ए साइकोलॉजी है और बी ए सोशलॉजी है ये आ जाती हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो चार साला डिग्रीज़ हैं इन में चार साल बी एड है और इसके बाद चार साल अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन है आ ये जो डिग्रीज़ हैं कोई भी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मास्टर डिग्रीज़ के बराबर होती हैं यानी सिक्सटीन ईयर एजुकेशन आपके पास होती है और इसके बाद आप करते हैं एम फिल आगे तो अब इन डिग्रीज़ के ऊपर एक एक को हम तफसील नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अब आ जाए जरा सबसे पहले हम फीस देख लेते हैं कितनी है तो उसके बाद नंबर्स कितने रिक्वायर्ड हैं आपको मैं यहाँ पे मैंने तीन डिग्रीज लिखी हैं एक टेबल के अंदर जो बॉक्स बनाया है जोरोजी और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और बायो हम सेम एज़ उसको ग्रीन कलर कर लेते हैं ठीक है जी तीन डिग्रीज ऐसी हैं जो यहाँ से मैंने उठाई हैं यहाँ पे तो चार हैं मैथमेटिक्स है लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें बी एस जोलॉजी बी एस मैथेमेटिक बी एस बायोटेक्नोलॉजी और बी एस बायो इनमें इन एडमिशन के लिए आपके पास इंटर में 45 परसेंट नंबर होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 45 परसेंट नंबर होने चाहिए ये तीनों डिग्रीज इस यहाँ पर देखें तो इनके सामने स्टार लिखा हुआ है तो स्टार का मतलब है कि ये तीनों जो डिग्रीज़ हैं बी एस बायोथर्मेटिक बायो, बायो और जोरॉजी ये होंगी मेरिट बेस आपने पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए इसमें चाहे तो आपकी ग्रेजुएशन हो और चाहे आपने बी एस एग्रीकल्चर किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी बेस के ऊपर आपको एग्जामेशन मिलनी है आगे का जो ड्यूरेशन है वो तय होना है कि कितना आपने आगे पढ़ना है तो जो एडमिशन होगा वो आपका इंटर की डिग्री और मैट्रिक की डिग्री दोनों के नंबर कैलकुलेट होंगे मैट्रिक में आपके 16 परसेंट नंबर ऐड होने हैं और इंटर में आपके होने हैं 40 परसेंट ये मेरिट बनाने के लिए होते हैं तो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ज़रा ले चलता हूँ और वेबसाइट के ऊपर हम दिखाते हैं आपको मेरिट जो कैलकुलेट होना है वह किस तरह है तो चलें आ, बी एस हम जोलॉजी को चेक कर लेते हैं ये आप सामने देख रहे हैं मेरिट कैलकुलेशन का मैट्रिक के जो 40 परसेंट नंबर आपके ऐड होंगे और इंटरमीडिएट के 16 परसेंट नंबर ऐड होंगे और ये मेरिट बेस इस तरह है कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता ये नंबर आपके कैलकुलेट होंगे और फिर जो भी लैब आपने चूज़ करनी है इसमें जो लैब्स हैं ना प्रैक्टिकल लैब वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो लैब जो चूज़ करेंगे फर्स्ट करें आप लाहौर की कैंपस की एक लैब चूज़ करते हैं और वहाँ पे एडमिशनस की कैपेसिटी जो है 400 सौ स्टूडेंट्स की तो चार स्टूडेंट तक मेरिट बनेगा और जैसे ऊपर आपको दिखाया गया है कि इन नंबरों का इस तरह वो कैलकुलेट करेंगे जिन्होंने लाहौर की लैब रखी हुई है या बावलपुर की रखी हुई है या मुल्तान की रखी हुई है तो हर लैब का इस तरह कैलकुलेट होगी कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे 200 की गंजाइश है या चार की गुंजाइश है वो गंजाइश के हिसाब से जो टब पर चार सौ या दो सौ स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पहले एडमिशन दे दिया जाता है तो टेस्ट नहीं होता इसमें इस तरह मेरिट कैलकुलेट करके एडमिशन दे, दे देते हैं अब आ जाएँ ज़रा फीस के ऊपर तो दाखिले फ़ीस के ऊपर तकरीबन तो बारह हज़ार रुपये लग जाते हैं आपके और ये आपके एक ही दफ़ा होते हैं डिग्री में सेमेस्टर फ़ीसें आ जाएँ यहाँ पर तो चाहे जितनी भी डिग्रीज हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस है या आर्ट्स है या मैनेजमेंट है वो सभी में आपके हर सेमेस्टर की जो फीस बनती है वो बनती है सतारा हज़ार नौ सौ पैंतीस रुपये तो फीस का मामला तो सब के लिए हो गया क्लियर और यहाँ पे जो <coughs> जोलॉजी का प्रोग्राम है या बायोटेक्नोलॉजी और बायोफर्मेटिक्स इनमें आपको जो मेरिट की जो बात थी कि किस तरह कैलकुलेशन होती है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गई अब अगर हम आगे बढ़ें और बताएं आपको कि इसके अलावा जो ये बी एस सी एस है जिनको मैंने येलो कलर किया हुआ है बी एस आई टी है सॉफ्ट इंजीनियरिंग है इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपके इंटर में पचास परसेंट नंबर लाजमी है ये इन सारे प्रोग्रामों में अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो ये बन जाते हैं टोटल एक दो चार चार आठ आठ और तीन ग्यारह ग्यारह और सोलह और सतारह अठारह ये अठारह प्रोग्राम हैं अठारह प्रोग्रामों में सिर्फ ये तीन प्रोग्राम ऐसे हैं बी एस सी एस बी एस आई टी और बी एस एस सी इंजीनियरिंग इन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पाँचवें सेमेस्टर में तो इंटर की बेस के ऊपर एडमिशन होगा इंटर में आपके पचास परसेंट नंबर होने चाहिए इंटर में आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हों वो मैटर नहीं करता तो अगर आपका आई सी एस है तब भी हो जाएगा आई कॉम है तब भी हो जाएगा सिंपल एफ़ ए है तब भी हो जाएगा लेकिन नंबर्स आपके 50 परसेंट से कम नहीं होने चाहिए 50 परसेंट ग्यारह में से 1100 में से 550 नंबर बनते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री है आपकी तो चाहे आपने सिंपल बीए किया है आपने डबल मैथ किया है डबल कंप्यूटर पढ़ा हुआ है बीएससी में या कुछ और सब्जेक्ट हैं वो मैटर नहीं करते जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ये आपकी नेक्स्ट जो तो ड्यूरेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो तय करती है कि कितनी आपको कोर्स एग्जामेशन मिलेगी कोर्स एग्जामेशन का मतलब ये है कि आपकी बीएससी की, की डिग्री के ऊपर या ए की डिग्री या आपने कोई बीएस किया हुआ है चार साल हो उसकी बेस के ऊपर देखा जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने रेलीवेंट पढ़े हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो जितने मैच होंगे जितना कोर्स कंटेंट मैच होगा वो माइनस हो जाएगा और बाकी जो मैनिंग होगा वो आपको आगे पढ़ना पड़ता है उसके लिए आपके चार सेमेस्टर बने या पाँच बने या जो भी कैलकुलेशन होती है वो आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के बाद बता देती है और अप्लाई सबसे पहले होगा और उसकी फ़ीस पाँच सौ रुपये होती है और फिर उसके बाद जो है वो दाखिला फ़ीस आती है और ये तीन प्रोग्रामों में थोड़ी सी अलग चेंजेस हैं यानी जो ये तीन प्रोग्राम थे बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टफॉर्मेटिक्स बायो इनफॉर्मेटिक्स और जोलॉजी ये तीन ये और तीन ये कंप्यूटर बारे तो इनके लिए मैंने थोड़ा सा अलग से आपको बता दिया है अब आ जाए जो बाकी प्रोग्राम हैं बाकी प्रोग्रामों में अगर हम देखें बी एस मैथमेटिक्स बी एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी बी आई टी बी एस कॉमर्स बी एस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी एस मैस कम्यूनिकेशन इनको हम तीनों को निकाल देंगे अब ठीक है हम बाकी की बात कर रहे हैं मैथ्स कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश साइकोलॉजी सोशलॉजी इसके बाद बी एड चार साल है एलिमेंट्री और बी एड चार साल अर्ली चाइल्ड हुड केयर एजुकेशन है यानी इन प्रोग्रामों में आपकी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेम एज़ आपके इंटर में पैंतालीस परसेंट नंबर होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी जो भी डिग्री हो आपकी उसमें भी पैंतालीस परसेंट नंबर होने चाहिए एडमिशन फ़ीस इन बाकी सारे प्रोग्रामों के लिए भी सेम है और सेम एज़ आपकी सेमिस्टर फ़ीस है अब फ़र्क कितना आएगा फ़ीसों का अगर आप ये तीन प्रोग्रामों में किसी में भी एडमिशन लेते हैं तो फिर इन में चांद एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं उन प्रैक्टिकल की दो हज़ार रुपये पर प्रैक्टिकल फ़ीस होती है पर सब्जेक्ट और यहाँ पे आ जाएँ अगर आप इन तीन प्रोग्रामों में एडमिशन लेते हैं जैसे कि यहाँ पे है इंफॉर्मेटिक्स है और बायोटेक्नोलॉजी और जोलॉजी है इनमें लैब फ़र्क लाजमी है और लैब जिस जिस सब्जेक्ट में होगी उसकी भी आपको प्रैक्टिकल फ़ीस देनी पड़ती है तो ये सब जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि किन किन सब्जेक्ट में है? अगर आप वैसे देखना चाहें सिलेबस इनमें से किसी प्रोग्राम का वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ तो सबसे पहले आपने जाना है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर वी यू डॉट यू डॉट पी के और उसके बाद आपने जाना है फ़ैकल्टीज़ में फ़ैकल्टीज़ में हम चेक कर लेते हैं बी एस का आ, जो तीन प्रोग्राम है साइंस वाले उसमें जितने भी तो यहाँ पे बी एस मैथमेटिक्स और बायोथर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी ये चार सारा प्रोग्राम है यहाँ पर तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो चार साल का दिया हुआ है अब कोर्स एग्जामेशन के बाद कितना आपको पढ़ना पड़ता है आगे वो फिर कोर्स एग्जामेशन की मेल आने के बाद आपको पता चल जाता है और कोर्स एग्जामेशन अगर आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आपको पता चल जाए तो फौरी तौर पर अप्लाई करवा दीजिए करना चाहते हैं उसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर हमारा नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा आप उसके ऊपर रबता कर लें और हर वीडियो में और चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है ये देखें सेमेस्टर वन है अभी इस मैथेमेटिक्स का इसमें रिक्वायर्ड भी लिखे हुए हैं एलेक्टिव भी लिखे हुए हैं उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का छः सब्जेक्ट हैं सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं थर्ड सेमेस्टर सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं और उसके बाद चौथा सेमेस्टर जब आता है उसमें तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से एलेक्टिव आपको करना होते हैं टोटल आप एक सेमिस्टर में छः सब रख सकते हैं सब्जेक्ट एक दो तीन चार पाँच और इनमें से एक आप ले लेंगे डाटा स्ट्रक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टेट और प्रोबेबलिटी है ये मैथमेटिक्स है इनमें से आप किसी एक में चले जाएंगे फिर उसके बाद पाँचवा सेमेस्टर आता है उसमें फिर ये चार आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं और बाकी में से दो आपने आगे लेने हैं उसके बाद आ जाए छठा सेमेस्टर उसमें चार आपके फिक्स हैं रिक्वायर्ड हैं और तीनों में से आपने मज़ीद दो चूज़ करने हैं सातवां भी इसी तरह है और सातवें और आठवें में सारे के सारे फिक्स हैं क्योंकि प्रोजेक्ट आ जाता है और प्रोजेक्ट सिक्स क्रेडिट हावर्स का होता है तो आपने वो कंप्लीट करना होता है अब आ जाएं कोर्स एग्जामेशन के जब पाँचवें सेमेस्टर में कहा जाता है कि आप लाई करेंगे तो फिर जितनी भी कोर्स एग्जामेशन मिलेगी वो आपको एक इसी तरह एक टेबल की शेप में बता दी जाती है ई के अंदर और उसमें लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट हमने आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस के ऊपर माइनस कर दिए हैं निकाल दिए हैं एग्जाम कर दिए हैं और बाकी जो फिर सिलेबस होता है आप उस हिसाब से पढ़ते हैं तो बाकी अगर आप दूसरी आ, सब्जेक्ट चेक करना चाहते हैं कोर्स तो अभी हमने मैथ का चेक किया है फिर वापस आते हैं उसके बाद हम जोलॉजी में इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा कोर्स ऑफ स्टडी लिखा हुआ है ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं मिल जाते हैं इस तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसके अलावा सिंपली अगर आप वी यू खानपुर वेबसाइट के ऊपर आएँ यहाँ से भी आप सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं फैकल्टीज़ में है और उसके बाद फैकल्टी ऑफ ये सी में हम देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स का अब बाकी हमने मैथ और जोलॉजी को तो चेक कर लिया ये बी एस सी एस की हम ऑफ स्टडी देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे इस तरह ये सारा मेंशन है और अगर आप फिर इनके हैंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे बुक शॉप में मिल जाएंगे आप बुक्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितना कितना उसमें सिलेबस है क्या चीज़ें हैं और जो ये तो बेसिक कुछ मैंने आपको बता दी हैं जिसमें एक तो है कि नंबर्स आपको कितने किस डिग्री में चाहिए और सारे प्रोग्रामों में जितने भी प्रोग्राम हैं सवाई इन तीन जो सी एस के प्रोग्राम हैं बाकी सब में आपको इंटर की बेस के ऊपर पैंतालीस परसेंट लाजमी चाहिए तो बाकी ग्रेजुएशन में 45 परसेंट लाजमी है इससे जितने ऊपर अच्छे होंगे वो आपका है फ़ायदा अगर आप इंटर की एक तो यह है कि इंटर में आपके पैंतालीस से कम हो जाए तो भी अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आपके इंटर में तो पैंतालीस परसेंट हैं लेकिन आपके ग्रेजुएशन में पैंतालीस परसेंट नहीं है तो फिर भी आप कोर्स एग्जामेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो पाँचवें सेमेस्टर में जाने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आस, इन तीनों में आपके इंटर में पचास परसेंट होने चाहिए यानी सी एस वाली डिग्रीज़ में और ग्रेजुएशन में हर हाल में सभी प्रोग्रामों के लिए पैंतालीस परसेंट लाजमी है और सेम एस इंटर में सभी के लिए पैंतालीस परसेंट नंबर कम अज़ कम लाजमी है और लेकिन इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए इंटर में भी पचास परसेंट नंबर होने चाहिए तो इससे एक नंबर भी कम वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता तो अब आ जाएँ कि यहाँ पे ज़ीरो सेमेस्टर होता है ज़ीरो सेमेस्टर पाँचवें सेमेस्टर के लिए नहीं होता उसके लिए मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह ज़ीरो सेमेस्टर इसमें पूरी डिटेल मैंने बताई है कि ज़ीरो सेमेस्टर लगाने के बाद बी में कौन से प्रोग्राम आप कर सकते हैं और ए में कौन से कर सकते हैं लेकिन पाँचवाँ सेमेस्टर में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज़ीरो सेमेस्टर इस मामले के लिए नहीं है तो दाखिला फ़ीस सभी के लिए सेम है एडमिशन फीस सेम है और अगर सेमेस्टर फ़ीसों को लें तो वो भी सबके लिए सेम है ड्यूरेशन जो अब आगे आएगा वो आपका कितना होगा ये आपको कोर्स एग्जामेशन मिलने के बाद पता चलता है तो जल्द अज जल्द, जल्द अप्लाई कर दीजिए पाँच सौ रुपये के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में अगर हम मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर आप चाहते हैं कि पाँचवें सेमेस्टर के लिए अप्लाई करें तो फिर आप पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड ग्रेजुएशन यानी ए डी पी हो सकता है उसमें ए डी एस हो सकता है बी ए हो सकता है बी एस सी हो सकता है या बी एस चार साल का कोई डिग्री है आपकी उसकी बेस के ऊपर आप पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास पंद्रह मार्च तक रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है यानी कुछ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हुए हैं लेकिन रिज़ल्ट कार्ड अभी स्टूडेंट के पास नहीं है तो टाइम आपके पास यूनिवर्सिटी में चांस दे देगी आपको मौका है पंद्रह मार्च तक आप रिज़ल्ट कार्ड का बंदोबस्त कर लें तो आप फिर पाँचवें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर रिज़ल्ट कार्ड के ग्रेजुएशन की अप्लाई नहीं होगा आईडी कार्ड आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड बना हो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास बना हो होना चाहिए और ईमेल स्टूडेंट का अपना हो और फ़ोन नंबर भी अपना हो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और अगली जो बात क्लासेस का तरीका क्लासेस का तरीका यहाँ पे ऑनलाइन होता है यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक एल होता है मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर देता हूँ एक एल ओपन करके एडमिशन होने के बाद आपको एक आई और पासवर्ड दे दिया जाता है और फिर आप उस आई और पासवर्ड से अपने एल के अंदर लॉग करते हैं उस एल के अंदर आपकी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके फी स्ट्रक्चर है यानी पूरा एक पूरे आपका अकाउंट होता है जिसमें हर चीज़ तफसील के साथ होती है वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं फ़र्स्ट कर लें हम इस ये एल एम एस है और ये होम पेज है यहाँ पर आपके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो है वो अगर आप तफसील के साथ देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट को क्लिक करके वी क्लासेस आप डाउनलोड कर देख लीजिएगा और उसमें आपको फिर सारी मिल जाएंगी ये प्ले लिस्ट हैं और यहाँ नीचे जाके यूनिवर्सिटी क्लासेस आ जाएगा उसमें से आप क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं पूरी तफी यहाँ पे बयान करना शुरू करूँ तो फिर ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरह का एल एम एस होता है आपका और उसके बाद क्लासेस का तरीका ये होता है कि वीकली शेड्यूल आता है यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये इस तरह टोटल जो सेमेस्टर होता है वो पंद्रह हफ्ते का होता है पंद्रह हफ़्तों में दो जो सेमेस्टर हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म कम्प्लीट हो जाते हैं और आपने हर हफ्ते का जो शेड्यूल है वो एक हफ़्ते के अंदर कंप्लीट करना होता है यहाँ पे लिस्ट होती है और जैसे लिस्ट को क्लिक करते हैं तो वो वीडियो लेसन ओपन हो जाता है उसमें फिर आपको वीडियो को सुनना होता है और साथ में रीडिंग होती है यानी जो इस वीडियो में बताया गया था वो रीडिंग में भी आप देख सकते हैं और इस तरह इसमें बॉन्ड नहीं होते आप के, आ, ये कोई जो क्लासेस है वो फिक्स टाइम में होती हैं फिक्स नहीं होता आप किसी भी टाइम पे अपनी क्लास देख सकते हैं लेकिन आपने वो शेड्यूल अपना हफ़्ता वाइज हफ्ते के एंड तक कंप्लीट कर लेना होता है जैसे कंप्लीट करेंगे आपका अगला शेड्यूल आ जाता है फिर इसके बाद इसी में आपकी असाइनमेंट्स भी आती हैं एक मैंने आपको लेक्चर्स प्ले करके दिखा दिया फिर असाइनमेंट्स आती हैं और उसमें एक फ़ाइल अपलोड कर दी जाती है ये असाइनमेंट्स फ़ाइल है इसको फिर स्टूडेंट ओपन करके देखता है इसमें जो क्वेश्चन होता है वो फिर उसके ऊपर आंसर बनाना होता है लिखना होता है और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर ही बनानी होती हैं या लैपटॉप या मोबाइल में आप बना सकते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप फिज़िकली लिखें ये देखें मैंने एक लोड अपलोड डाउनलोड करके दिखाई है ये एक सवाल है और ये फिर उसका उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शन भी दी होती हैं कि आपने किस तरह ये उसको बनाना है और अब आ जाएँ जब आपने उसको बना लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं यहाँ पे शो हो जाता है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट है और फिर यहाँ पे पंद्रह नंबर थे तो तेरह नंबर यहाँ पे आए हुए हैं मार्किंग हो जाती है इस तरह आपने असाइनमेंट बनानी होती है और उसके बाद कुइज़ होते हैं जब आप वीडियो लैक्सन सुन लेते हैं दस बारह तो फिर अनाउंसमेंट आती है एक और अनाउंसमेंट के मुताबिक कूज़ यहाँ पर आता है ये ऑनलाइन कुइज़ होते हैं तो जिसको आपने यहाँ पर ही अटैम्प्ट करना होता है यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपके क्विज ओपन हो जाएंगे दस नंबर का क्विज़ होता है आप उसको सॉल्व करते जाते हैं उसके चार चार ऑप्शन होते हैं हर सवाल के आप उसमें से जो सही होता है उसको क्लिक करते जाते हैं और फिर यहाँ पे उसका नंबर आ जाता है फ़ीस का ये सिलसिला होता है कि जो यहाँ पे अकाउंट बुक है उसमें सारी आपकी फ़ीसें आएंगी और आप उसको ईजी पैसा से बैंक में या जैसे भी यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं तरीकाकार वो आप उनको पे कर सकते हैं यहाँ पर ग्रेड बुक है ग्रेड बुक में आपके सारे रिजल्ट शो होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्रेडिट सावर्स हैं वो सारे और साथ में सी वगैरह और नीचे फिर हर सब्जेक्ट की अलग से पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है और आप चाहें तो हर सेमेस्टर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं तो बाकी डिटेल आप इन जब एडमिशन ले लेंगे तो उसमें देख लेंगे तो ये थोड़ा सा क्लासेस था अब आ जाएँ डिग्री की वैल्यू यूनिवर्सिटी वर्चल यूनिवर्सिटी की डिग्री हर जगह पे एक्सेप्टेबल है आ, जो अगर हम कहें कि इसका जो ये अंडर किसके काम करती है तो ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये काम करती है और अगर हम चांसलर देखें तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो प्रजिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान होते हैं इसकी डिग्री सदर पाकिस्तान के साइन के साथ जारी होती है और बाकायदा से एक जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह है वो मैं दिखा देता हूँ कि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर की बॉडी बनती है जिसमें आपके ये चौदह लोग शामिल होते हैं और उन चौदह लोगों में देख लें बड़े बड़े जो लोग हैं वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल होता।, होता है ये चेयरमैन होता है यूनिवर्सिटी का रेक्टर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी मेंबर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद और उसके बाद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड मीडिया डेवलपमेंट चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन यानी उसका भी एक नुमाइंदा होता है चेयरमैन नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी और इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज वन सर्विंग आर रिटायर्ड डायरेक्टर और वाइस चांसलर ऑफ ए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इस तरह ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ऑनलाइन बड़ा शानदार है आप के ऊपर आप पूरी ग्रिप रखते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और बाउंड नहीं होते मजबूर नहीं होते किसी भी जगह पे एग्जाम्स की आपको फैसिलिटी होती है कि आप अपनी मर्जी के टाइम के अंदर ड्यूरेशन तो यूनिवर्सिटी बता देती है कि जैसे एक से लेकर पंद्रह तक पेपर हैं तो उस दौरान जो एक एक दिन में छः छः सात सात सेशन होते हैं किसी भी सेशन में आप अपने पेपर दे सकते हैं सुबह को देना चाहें या शाम को देना चाहें एक दिन के गैप्स के साथ देना चाहें या एक ही दिन में आप सारे पेपर कवर करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं तो आ, ये कुछ चीज़ें थी पाँचवें सेमेस्टर के हवाले से कि एक तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए अगर अभी तक आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट कार्ड नहीं है तो फ़ौरी तौर पर आपको ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द आपको मिल जाए अप्लाई कर सकें और अप्लाई करने की फ़ीस पाँच सौ रुपये है सिर्फ पाँच सौ रुपए अप्लाई हो जाएगा वर्स एग्जामेशन के बाद फिर आपकी दाखिला फ़ीस आपको आती है और ये जो फ़ीसें हैं सेमेस्टर की इसमें भी आप इस फीस को पाँच इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं दोबारा से बता दूँ थोड़ा सा जोलॉजी बायोटेक्लोजी बायो, बायो इन्फॉर्मेटिक ये मेरिट बेस हैं और कोर्स एग्जामेशन के बाद जो एडमिशन वग़ैरह होना है वो सारे का सारा मेरिट बेस है और ये मेरिट अवेलेबल जो लैब्स हैं उसमें कैपेसिटी की बेस के ऊपर होती हैं ये तीन प्रोग्राम जो बी एस सी इंजीनियरिंग इसमें एडमिशन के लिए आपको आ, इंटर के अंदर भी पचास नंबर चाहिए बाकी सब में जो प्रोग्राम्स हैं सेम एज है कि इंटर में पैंतालीस परसेंट ग्रेजुएशन की डिग्री में पैंतालीस परसेंट नंबर होने चाहिए और सारे प्रोग्राम बाकी ओपन मेरिट हैं इन तीन के अलावा ये मेरिट बेस हैं इस तरह अप्लाई हो सकता है आपका और अब आ जाए अप्लाई करने के लिए एक बच्चे यूनिवर्सिटी का कैंपस चला रहे हैं अगर हमारे थ्रो आप करवाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी हैं पाकिस्तान से नंबर ये आप नोट कर लें वीडियो में भी आपको मिल जाएगा ये व्हाट्सएप नंबर है आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं इन तो एडमिशन भी आपका करवाएँगे और रूट आपको मुकम्मल तौर पर गाइड भी करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आप को अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं और कोई ऐसा स्टूडेंट है पहले से जिसको आप जानते हैं हमारे कैंपस है तो वो यकीन आपको ये बताएगा कि उसको हम कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहे हैं और हर तरह की जो गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी हमने सिर्फ बताना होता है गाइड करना होता है मेहनत स्टूडेंट ख़ुद करता है और नतीजा ये है कि वो फिर अच्छे रिज़ल्ट बना लेता है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एट दी एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको कर ले और बाकी जितनी भी मालूम अगर आपको मज़ीद डिग्रीज के लिए चाहिए तो वो आ, अवेलेबल हैं इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं तो इन नेक्स्ट बी एस फोर ईयर प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे और कल लें इन मिलेंगे उसके ऊपर अल्लाह हाफिज़ क्या रखिएगा अपना